हर हर महादेव। तो गाइस अपन तीनों रेडी हो चुके हैं, अब चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक है गाइस, अपन ऊपर जा रहे हैं। रुक के पानी अंदर गिरेगा। ओ भाई, अपन वापस रास्ते पे आ चुके हैं केदारनाथ वाले जाने के लिए। फिर से हेलीकॉप्टर आ रहा है क्या? गाइस नहा के चलने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अपन उतना दूर से चल के आए हैं और अपने को बहुत ज़्यादा थकावट था। अभी तो बहुत ही ताजगी महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ थकान ही नहीं यार, पूरा थकान गायब। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, गायब हो चुकी है। यहाँ का पानी पता है पूरा जो ऊपर पहाड़ी है ना वहाँ से आ रही है। जो पानी का जो तापमान है इतना ज़्यादा ठंडा है ना क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी। गाइस यहाँ से जा रहे हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, ग्लेशियर वगैरह हमें दिखाई दे रहा है। पहले जैसे हम ब्लॉग में आ रहे हैं, मेरे ब्लॉग में क्यों घुस रहे हैं यार, हाँ घुसना मना है। और एक छोटा सा झरना, आप यहाँ भी नहा सकते हैं। यहाँ पहाड़ रो रहा है और ये रहा नीचे का सीन। क्या ही पानी बह रहा है, बहुत ही खतरनाक। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा गाइस। तो गाइस ये रहा नदी का नज़ारा, काफ़ी खतरनाक। यहाँ कितना खाई है क्या ही बताया। और वहाँ पे छोटा सा पुलिया, अपन को उसी पुलिया को पार करना है। और ये रहा पहाड़ को चाहिए भाई, गर्दन टेढ़ा हो जाए तो देखो। और ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, छोटा सा छोटा दिख रहा है, ऊपर से बड़ा होगा। गाइस ये रहा यहाँ पे, नीचे उतरेंगे पुल पार करेंगे, फिर यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ चढ़ेंगे, फिर वहाँ चढ़ेंगे। गाइस पूरी तरह से पड़ जाएगी गाइस, वो ऊपर में देखिए वहाँ से, वो भाई इतना लंबा सफ़र क्या ही बताएं। तो अपन फिर पुलिया के पास पहुँच गए। ठंडा लग रहा है, काफ़ी दूर से पानी आ रहा है यार। तो अपने को देख रहे हैं कहाँ तक जाना है, इतना ऊंचा। ओ भाई अपने तो लगने वाले हैं यहाँ पे। बादल वगैरह तो कितना औसम दिख रहा है। तो गाइस अपन वहाँ नीचे से चलते चलते आ रहे हैं, तो कहाँ ऊपर पहुँच गए हैं पता ही नहीं चला ब्रो, इतना दूर आ गए हैं अपन। क्या है पानी हो रहा, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर यहाँ भी करना प्रभावित हो रहा है। काफी ज्यादा ऊंचाई गुड़िया जा रही है पीछे पीछे। यहाँ एक और झरना है, ये भी बहुत ऊपर से गिर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर से यार। पहाड़ को देखते देखते अपना गर्दन टेढ़ा हो जाता है। रो झरना ये रहा। ओ भाई गाँव कितना ऊपर है यार, हाँ ज़्यादा ही नीचे रोज है। यहाँ साफ सफाई चल रहा है झरने का, तो भारत फिर भी बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे बसेरा बसाए रहते हैं इंसान लोग। ऐसे जगह कोई समझ नहीं सकता यार। यहाँ पार्ले पता नहीं क्या कर रहा है पार्ले, थोड़ा सा हाथ कोशिश हो जाता है।
ट्रेवल किए कि राइट हीरो तो गाइस वो रहा पुराना रास्ता, ये दिख रहा होगा ये पहले वही रास्ता था, उसके बाद अभी बीच में जब आपदा आई थी ना, पता नहीं कितने साल पहले आए थे तो याद नहीं है, उस टाइम वो रास्ता ख़त्म हो चुका था क्योंकि ख़त्म हो गया, तो नया रास्ता बना हुआ है। और रास्ता यहाँ से था कहाँ तक यार, यहाँ तक दिख रहा होगा, मोबाइल में तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ से दिख रहा है क्लियर कि वहाँ रास्ता बना हुआ है। ओ भाई देर से हेलीकॉप्टर एक और एक कहाँ जा रहा है, इधर तो पहाड़ का लुक देख ही रहे होंगे, पूरा वाइट। हाँ 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 भैया गाइस आपको दिखाते हैं अपन कहाँ से आए हैं। गाइस पूरा जूम हो चुका है, अपन इस जगह से चलते चलते आए हैं उतना दूर, क्या ही बताएं गाइस पूरी तरह से अपनी लग चुकी है, कुछ नहीं बोला जा सकता। गाइस वो रहा केदारनाथ जाने का पुराना रास्ता जो कि बाढ़ आने की वजह से टूट चुका है बीच में इस साइड, वो भी वो शायद थोड़ा शॉर्टकट था होगा यार, लॉन्ग कट ही होगा पता नहीं, गए तो है नहीं। हाँ जी सर मेरे को शूट कर रहे हैं क्या, गाइस ये रहा घोड़ा, अरे अलग चाचा 4 किलोमीटर बच्चा है, आपको कैसा लग रहा है अभी भी 4 किलोमीटर? हाँ यार, अबे यार वहाँ तो लिखा था 4 किलोमीटर तो अभी भी 4 ही बचा है यार, अबे यार लग रहा है सड़क लंबा होते जा रहा है, ये तो फीता ऐसे सीधा करके नाप दिए हैं लग रहा है मेरे को वहाँ जाना है भाई। वहाँ और यहाँ से नाप देंगे 1 किलोमीटर। देखो गाइस अपने को वहाँ जाना है, घर वर दिख रहा है वहाँ, घर नहीं टेंट वगैरह